नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉगरू आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस के चैप्टर के बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेग्लिजेंस पे समझेंगे कि क्या इसके मीनिंग होते हैं, क्या इसेंशियल्स हैं, और विभिन्न केसेस के माध्यम से क्या क्या हेल्डिंग इसमें आती हैं। तो ऐसे ही साथ बने रहिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर तरीके से मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो देखते हैं टोर्ट में नेग्लिजेंस के बारे में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या एसेंशियल्स हैं, और लीडिंग केसेस के माध्यम से क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार 10 या 20 नंबर में ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो उसे ही समझेंगे। नेग्लिजेंस बेसिकली, अगर आपको शायद मालूम भी हो, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है। अगर आप बात करेंगे आईपीसी की, तो वहां 304A, सेक्शन 304A में आप पाएंगे कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सिविल के अंतर्गत, यानी कि टॉर्शस एक्ट के अंतर्गत नेग्लिजेंस की क्या परिभाषा दी गई है, नेग्लिजेंस के क्या एसेंशियल्स हैं, और किस तरह ये अप्लाई होता है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं नेग्लिजेंस को। हिंदी में उपेक्षा बोला जाता है या लापरवाही बोला जाता है। अगर इसके मीनिंग की बात करूं, तो मीनिंग आप सिंपल से समझ लीजिएगा कि नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस, यानी कि केयरलेसनेस होती है, और अनरीजनेबल कंडक्ट, यानी कि ऐसा कंडक्ट जो अनरीजनेबल होता है, विच कॉजेज हार्म टू अनदर, जो किसी अन्य को हार्म पहुंचाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेसनेस और अनरीजनेबल कंडक्ट विच कॉजेज हार्म टू अनदर। ठीक, तो हम देखते हैं कि नेग्लिजेंस बेसिकली जहां पर लापरवाही होती है, ठीक, वहां पर अराइज होता है, और उसके अगेंस्ट आप टॉर्शियस, ऐसे टॉर्शियस एक्ट के अगेंस्ट यहां पर टोर्ट में आप वाद ला सकते हैं और यहां पर रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं अलग अलग राइटर्स की, तो यहां पर दो थ्योरी नेग्लिजेंस में बतलाई जाती है। अलग अलग राइटर्स आए हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ थ्योरीज नेग्लिजेंस के बारे में बतलाई हैं। तो दो थ्योरी यहाँ पर दी हैं, एक सब्जेक्टिव थ्योरी, एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी। सब्जेक्टिव थ्योरी की बात करूं, तो ये ऑस्टिन और सामंड ने इसका समर्थन किया था, जहां पर ये कहा गया नेग्लिजेंस डिनोट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये कहता है कि जो लापरवाही है वो स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करती है, को डिनोट करती है, और एंड इट इज अ मोड ऑफ कमिटिंग सर्टेन टोर्ट्स। ये कहता है कि ये जो मोड है, ये सर्टेन टोर्ट्स, कमिटिंग सर्टेन टोर्ट्स है, यानी कि बहुत सारे टोर्ट्स इसमें आते हैं, उन्हें कमिट करने के बाद ये स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत जाता हुआ नेग्लिजेंस बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया, एंड नॉट स्पेसिफिक टॉर्ट्स। ऑस्टिन और सामंड कहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉर्ट नहीं है, यानी कि कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, ये कमिटिंग सर्टेन टॉर्ट्स है, मोड ऑफ कमिटिंग सर्टेन टॉर्ट्स, जो नेग्लिजेंस बनाता है स्टेट ऑफ माइंड के अंतर्गत। ठीक, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी परिभाषा आती है ऑब्जेक्टिव थ्योरी की, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दिया था डोनोग बनाम स्टीवेंसन 1932 के केस में। क्या फैक्ट्स थे वो भी बतलाऊंगा आगे जब लीडिंग केसेस की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव थ्योरी यहां पर अप्लाई नहीं हुई, और लॉ में आगे चलकर ऑब्जेक्टिव थ्योरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने दी डोनोग बनाम स्टीवेंसन के केस में 1932 में, जिसमें कहा गया कि नेग्लिजेंस इज अ कंडक्ट एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज अ स्पेसिफिक टॉर्ट। यानी कि यह नेग्लिजेंस को एक कंडक्ट मान लिया गया, यहां पर माना गया था स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मतलब जहां पर माइंड प्रेजेंट होता है, माइंड की प्रेजेंस में कोई काम किया जाता है, एज अ एक तरीके से ये कह लीजिएगा कि कई बार क्रिमिनल एक्टिविटी में भी स्टेट ऑफ माइंड आप देखते हैं, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्टिव थ्योरी सीधा सीधा कहती है कि केवल एक कंडक्ट है, जो क्या कहता है, मस्ट बी ट्रीटेड एज अ स्पेसिफिक टॉर्ट, जो एक स्पेसिफिक टॉर्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि स्पेसिफिक एक्ट है। ठीक, जो कैसे क्रिएट होता है, लापरवाही के लिए, लापरवाही के अगेंस्ट क्रिएट होता है, यानी कि केयरलेसनेस जहां पर आ जाती है वहां पर ही क्रिएट होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा फिर प्रोफेसर विनफील्ड ने अपने शब्दों में भी दी है कि उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है। यानी कि इन्होंने कहा है कि नेग्लिजेंस जो है वो एक टॉर्ट है, और टॉर्ट में क्या है, सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य का उल्लंघन। यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो ये है कि दूसरे के प्रति सावधानी बरते, यानी कि दूसरे को आपके एक्ट से कोई भी हार्म ना पहुंचे, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक, तो ये कहता है कि उसी सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य को, ऐसी लीगल ड्यूटी का उल्लंघन जो होता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवादी के ना चाहने पर भी वादी को क्षति कारित होती है, यानी कि ऐसे उल्लंघन पर जब किसी को, किसी वादी को
क्षतिकारित होती है, डैमेज क्रिएट होता है, तो वहां पर ऐसे टोट को आप नेग्लिजेंस की संज्ञा देते हैं। समझ में आ गया होगा, समझ सकते हैं कि यहां पर जहां स्टेट ऑफ माइंड बोल रहा था, स्टेट ऑफ माइंड से सीधा सीधा हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा ये कंडक्ट है, यानी कि एक एक्ट है। और कैसा एक्ट है वो प्रोफेसर विनफील्ड ने यहाँ क्लियर किया कि जहां पर सावधानी बरतने का कर्तव्य, मेरी एक लीगल ड्यूटी है कि अगर मैं छड़ी घुमाता जा रहा हूं तो उससे दूसरे को हार्म ना पहुंचे, तो क्या है, मेरी लीगल ड्यूटी है। और अगर इसका उल्लंघन होता है, वो छड़ी किसी को लग जाती है और उससे किसी को डैमेज होता है, तो डेफिनेटली वो मेरे पर टॉर्ट के अंतर्गत यहाँ नेग्लिजेंस का वाद ला सकता है, जहां पर मेरे ना चाहने पर भी वादी को क्षति हुई है। ठीक, मैं ऐसा नहीं चाहता था, यानी कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी नेग्लिजेंस की वजह से और मेरे लीगल ड्यूटी के उल्लंघन की वजह से यहाँ पर डिफेंडेंट को, यहाँ पर सॉरी प्लेंटिफ को क्षतिकारित होती है, डैमेज होता है, वहां यहाँ नेग्लिजेंस देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद अब बात करेंगे इसी परिभाषा को लेते हुए इसेंशियल्स की, नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या इसेंशियल्स जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया है, इन एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस, यानी कि नेग्लिजेंस के एक्शन के लिए अगर किसी पर नेग्लिजेंस के अगेंस्ट वाद लाया जाता है, नेग्लिजेंस के अंतर्गत वाद लाया जाता है, तो प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट, यानी कि वादी को ये तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहले डिपेंडेंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, यानी कि ये सीधा कह देता है वादी के प्रति प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य, यानी कि मैं अगर छड़ी ले रहा हूं और मैं छड़ी घुमाता जा रहा हूं तो मेरा क्या है, एक कर्तव्य है कि मैं दूसरे के प्रति जो मेरे बराबर में चल रहा है उसके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य रखूं। तो अगर वहां पर ऐसी ड्यूटी ऑफ होती है, ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ होती है, तो उस केस में नेग्लिजेंस में प्लेंटिफ आ सकता है, नेग्लिजेंस का केस यहाँ पर डिफेंडेंट पर ला सकता है, यानी कि सीधा सीधा कह दिया गया डिफेंडेंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। उसके बाद आता डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, यानी कि अब जो ऐसे सावधानी बरतने का कर्तव्य है, यानी कि ऐसी जो लीगल ड्यूटी है उसका ब्रीच मैंने किया हो, यानी कि डिफेंडेंट ने ऐसी ड्यूटी का ब्रीच किया हो, उल्लंघन किया हो, ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन किया हो, जो इन्होंने यहां पर भी बोला, देखो सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य हो और फिर उसका उल्लंघन हो, तो ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। ठीक, ऐसे उल्लंघन किया हो, उसके बाद प्लेंटिफ सफर डैमेज एज कंसिक्वेंसेज, और उनकी वजह से, ऐसे कंसिक्वेंसेज की वजह से यहां पर प्लेंटिफ को डैमेज सफर हुआ हो, यानी कि डैमेज कारित हुआ हो, वादी को क्षति कारित हुई हो, यहां भी लिखा है कि वादी को क्षति कारित हुई हो। तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर नेग्लिजेंस का केस लाया जाता है तो यहां पर प्लेंटिफ को ये तीन चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं। पहले तो डिफेंडेंट का ड्यूटी ऑफ केयर हो, वहां पर सावधानी बरतने का कर्तव्य अराइज होता हो लीगल ड्यूटी के अंतर्गत, फिर उसने ऐसी सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया हो, और उसके बाद ऐसे उल्लंघन से प्लेंटिफ को कोई डैमेज क्रिएट हुआ हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं तीन इसेंशियल्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसके बाद आगे समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं। तो अलग अलग केसेस के माध्यम से यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर को समझाने की कोशिश की गई है, यानी कि ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि क्या क्या ड्यूटी के रीजंस हो सकते हैं या ड्यूटी के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो अलग अलग केसेस के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले केस आया हेवन वर्सेस पेंडर 1883 का केस आया, जिसने ड्यूटी ऑफ केयर की बात की नेग्लिजेंस के अंतर्गत, यानी कि यहीं से सिद्धांत निकल कर आया था जो फर्स्ट इसेंशियल आपको बतलाया ड्यूटी ऑफ केयर का टू द प्लेंटिफ। उसने कहा इफ वन मैन इज नियर टू अनदर, अगर एक व्यक्ति दूसरे के पास में है, नियर टू अनदर, अ ड्यूटी लाइज अपॉन हिम नॉट टू डू दैट विच मे कॉज अ इंजरी टू दैट अनदर, यानी कि वो कहता है कि ऐसी ड्यूटी लाइज होती है वहां पर जिससे वो दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। ठीक, तो यहां पर ड्यूटी ऑफ केयर को रिप्रेजेंट किया सबसे पहले हेवन वर्सेस फेंडर के केस में 1883 में कोर्ट ने। उसके बाद यहीं पर बात की अ मैन कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नेग्लिजेंस इफ ही ओव्स नो ड्यूटी टू द प्लेंटिफ। ये सीधा सीधा कह देता है कि ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति लायबल नहीं होगा जहां पर ही ओव्स नो ड्यूटी, अगर वहां पर कोई भी ड्यूटी प्लेंटिफ के प्रति नहीं होती है, अगर कोई भी लीगल ड्यूटी डिफेंडेंट की प्लेंटिफ के प्रति वहां पर अराइज नहीं होती है, तो ऐसे केस में किसी भी व्यक्ति को लायबल घोषित नहीं किया जा सकता, हेल्ड नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा कहता है, यानी कि ये कहता है ड्यूटी शुड बी लीगल रेदर देन अ मियर रिलीजियस
सोशल एंड मोरल, यानी कि कहते हैं ऐसी जो ड्यूटी है वो लीगल होनी चाहिए, ना कि रिलीजियस सोशल या मोरल। सोशल मोरल और रिलीजियस ड्यूटी की यहाँ बात नहीं की गई है, यहाँ पर ऐसी ड्यूटी की बात की गई है जो लीगल ड्यूटी हो, जहां पर उसने लीगल ड्यूटी का उल्लंघन किया हो और उस उल्लंघन में प्लेंटिफ को यहाँ पर बात दायर करने की परमिशन दी जाती है डिफेंडेंट के प्रति। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी ड्यूटी अराइज नहीं होती है तो ऐसे केस में कोई भी केस यहाँ पर नेग्लिजेंस के अंतर्गत डिफेंडेंट पर नहीं लाया जा सकता। ठीक, तो सीधे सीधे ड्यूटी ऑफ केयर को सबसे पहले हेवन वर्सेस पेंडर के केस में बतला दिया गया, और इसी बात को जब आगे चले तो डोनोव बनाम स्टीवेंसन के केस में 1932 में और इलेबरेट किया गया और बताया गया यहाँ पे यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट और ओमिशंस विच यू कैन रीजनेबली फोर्सी वुड लाइकली टू इंजर योर नेबर। ये कहता है कि अब जो ड्यूटी की परिभाषा इसने और एक्सटेंड की, वो कहता है कि ड्यूटी ऑफ केयर वहां तक होनी चाहिए जहां तक रीजनेबली फोर्सी हो, यानी कि युक्तियुक्त पूर्वानुमान हो सकता हो कि इस चीज से या इस एक्ट से या इस लीगल ड्यूटी के वायलेशन से, के उल्लंघन से किसी दूसरे व्यक्ति को यहां तक का हार्म हो सकता है। तो रीजनेबली फोर्सी को यह कहता है कि वो ड्यूटी के अंतर्गत आता है। जैसे यहां पर यह बात कही किसने थी, लॉर्ड एटकिन ने दोनों बनाम स्टीवेंसन के केस में कही थी 1932 में, और इसे आप नेबरहुड रूल के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ये 10 नंबर में पूछ लिया जाता है नेबरहुड रूल, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां बेसिकली नेग्लिजेंस के फर्स्ट इसेंशियल के बारे में पूछना चाह रहा है, ड्यूटी ऑफ केयर के बारे में, तो वो बतलाएंगे आप। ठीक, नेबरहुड रूल का क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसने नेबर की बात की, इसने कहा लाइकली टू इंजर योर नेबर, जो नेबर को इंजर करता हो अगर ऐसा रीजनेबल फोर्सी होता है किसी भी एक्ट का, तो वहां पर ये लायबल माना जाएगा और ड्यूटी ऑफ केयर के अंतर्गत आता है। इस केस में हुआ क्या था, बेसिकली एक व्यक्ति ने जिंगर बियर की बॉटल खरीदी और जिसके पीने से वो बीमार हो गया। ठीक, तो उसने डिफेंडेंट पर वाद लेकर आया हो, तो यहां पर कोर्ट ने उसे लायबल माना, यानी कि यहां पर जो मैन्युफैक्चरर ऑफ बियर बॉटल था उसे यहां पर लायबल माना गया, क्योंकि ये माना गया कि जब वो बॉटल बेच रहा है तो कंज्यूमर उसे यूज करेगा, और जो कंज्यूमर उसे यूज कर रहा है उसके प्रति उसकी लीगल ड्यूटी है कि वो चीजें उसे सही तरीके से उपलब्ध कराए। ठीक, तो इस वजह से यहां पर रीजनेबल केयर डाल दिया गया और रीजनेबली फोर्सी मानते हुए उसे उस मैन्युफैक्चरर को लायबल माना गया। ठीक, इसीलिए यहां पर इसे नेबरहुड रूल के नाम से भी जाना गया, क्योंकि यहां नेबर के लिए यहाँ पर नेबर को डिनोट करते हुए इन्होंने लिखा पर्सन हु क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्ट, यानी कि एक ऐसे जिस एक्ट से कोई पर्सन क्लोजली और डायरेक्टली अफेक्टेड होता हो उसे यहाँ पर नेबर की संज्ञा दी गई, और इसीलिए इसे यहाँ नेबरहुड रूल के नाम से फेमस किया गया, फेमस हुआ ये नेबरहुड रूल के नाम से। तो ये जो बात था पूरा का पूरा यहाँ पर लॉर्ड एटकिन के अंतर्गत ये रूल निकल कर आया, लॉर्ड एटकिन ने अपने दोनों बनाम स्टीवेंसन के केस में ये रूल दिया। उसके बाद इसी के साथ आगे चलते हैं, तो ये साथ साथ कहता है ड्यूटी डिपेंड्स ऑन रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ इंजरी। सीधी सीधी दोबारा से बात कर देता है कि ड्यूटी डिपेंड करती है किस पर, रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी ऑफ इंजरी पर, यानी कि युक्तियुक्त पूर्वानुमान पर कि इससे ये इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी इंजरी रिमोट हो, यानी कि बहुत दूर की हो, जिसे रीजनेबल फोर्सी नहीं किया जा सकता, तो उस केस में यह नेग्लिजेंस का बात नहीं बनता है। ठीक, तो ड्यूटी ऑफ केयर को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजिलम बीवी का केस, 1980 का केस है, जिसमें ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बस। इसमें क्या हुआ था कि जो बस ड्राइवर था उसने कुछ सवारियों को ऊपर बैठा दिया, छत पर बैठा दिया, रूफ ऑफ बस पर बैठा दिया ट्रेवल के दौरान, और उनमें से ट्रेवल के दौरान एक पेड़ की टहनी के टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसने यहां पर बात दायर की और माना गया कि ऐसे में वो बस ड्राइवर और कंडक्टर यहां पर लायबल होंगे, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी भी लायबल मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा होना रीजनेबल फोर्सिएबिलिटी के अंतर्गत आता था। ठीक, उसके बाद आया सुषमा मित्रा वर्सेस
एमपीएसआरटी कॉरपोरेशन एआईआर 1974 का केस इसी तरीके का केस है, जहां पर रेस्टेड हर एल्बो ऑन द विंडो ऑफ द बस, जहां पर एक लेडी अपनी कोहनी को विंडो पर रखकर बैठी हुई थी, बस की विंडो पर रखकर बैठी हुई थी, तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक आया जिससे एक हादसा क्रिएट हुआ और उसकी कोहनी इंजर हुई, तो वो यहाँ पर बात लेकर आई। तो यहाँ पर भी जो बस का ड्राइवर था उसे लायबल माना गया। क्यों लायबल माना गया? क्योंकि उसे भी रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के अंतर्गत रखा गया कि एक जनरल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो जनरल कंसिक्वेंसेस है कि वो कोहनी विंडो पर रखता ही है। तो डिस्टेंस कोर्ट ने डिसाइड किया कि इतना डिस्टेंस बस ड्राइवर को बनाकर रखना चाहिए था कि ताकि इस तरीके की इंजरी ना हो। लेकिन हाँ, यहीं पर दूसरी कंडीशन आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति हाथ बाहर कर देता है और तब यह हादसा होता है तो वहां पर रीजनेबल फोर्सिबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का एक प्रिंसिपल आता है, वो आगे चलकर आपको बतलाऊंगा, वो एराइज होता है। तो ये केस यहां पर कहता है कि जहां पर रीजनेबल फोर्सिबिलिटी है कि एक जनरल वे है कि कोहनी रख दी जाती है और ऐसा बस ड्राइवर को बिल्कुल उसके बराबर में लगाकर बस नहीं निकालनी चाहिए थी, कोई भी हादसा हो सकता था और जैसा कि हुआ भी, तो यहां पर ऐसे केस में बस ड्राइवर को पूरी तरीके से लायबल माना गया। अब समझते हैं इसके बाद है कुछ और केस के माध्यम से नेग्लिजेंस क्या कहता है। तो सेकंड एसेंशियल्स यहां पर आया था ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बारे में, यानी कि ड्यूटी ऑफ केयर के केसेस हमने पीछे पढ़े, ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं उसमें क्या क्या केसेस आए और किस किस तरीके से बतलाया। तो यहां पर एक केस आता है फेमस केस, ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर 1992 का। इस केस में क्या हुआ था, अ 7 ईयर चाइल्ड एंटर्ड द पब्लिक पार्क एंड एट पॉइजनस बेरीज, यानी कि एक पब्लिक पार्क था जिसका देखरेख कॉरपोरेशन करती थी, वहां की पब्लिक पार्क था, उस पार्क में कुछ पॉइजनस बेरीज लगी हुई थी जिन्हें एक 7 साल का बच्चा खा लेता है और मर जाता है। तो यहां पर प्लेंटिव वाद लेकर आता है कॉरपोरेशन पर, तो हेल्ड किया जाता है हेल्ड अंडर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि यहाँ पर ये लायबल हेल्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना जाता है कि कॉरपोरेशन ने अपने कार्य को करने में या अपने कर्तव्य को करने में ब्रीच किया, जिस वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। तो यहाँ पर यहाँ पूरी तरीके से इसे लायबल बना दिया गया कॉरपोरेशन को। ठीक, उसके बाद आता है बोरहिल वर्सेस यंग का केस, 1942 का केस आता है, जिसमें क्या था, एक्सीडेंट बिटवीन ट्रैम एंड बाइक, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है। यहां पर क्या था कि एक ट्रैम और एक बाइक के बीच एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी काफी तेज आवाज होती है और उस आवाज में, उस एक्सीडेंट में ये बाइकर मारा जाता है। लेकिन जब वहां से एक महिला गुजर रही होती है, एक प्रेग्नेंट महिला गुजर रही होती है, तो उसे खून से लथपथ देखती है जिससे वो घबरा जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है, मिसकैरेज ऑफ अ लेडी हो जाता है। तो यहां पर ये लेडी उस बाइकर के उत्तराधिकारी पर वाद लेकर आती है इसके अंतर्गत, तो यहां पर हेल्ड किया जाता है, नेग्लिजेंस के अंतर्गत वाद लेकर आती है, तो यहां पर हेल्ड किया जाता है कि कोई भी इस तरीके का यहाँ पर जो घटना घटित हुई है वो ना तो रीजनेबल फोर्सिबल है और ना ही यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी अराइज होती है, क्योंकि एक्सीडेंट ट्राम और बाइक के बीच हुआ था, लेडी से उसका कोई भी लिंक नहीं था, ना ही किसी तरीके की कोई रीजनेबल फोर्सिबिलिटी वहां पर दिखती थी कि ऐसा कुछ होगा। तो इस वजह से यहाँ पर उस बाइकर को किसी भी तरीके से लायबल नहीं माना गया और बचाव दे दिया गया। उसके बाद आता है बोल्टन वर्सेज स्टोन का केस, 1951 का, जिसमें The plaintiff was injured by a cricket ball while standing on highway. एक व्यक्ति क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हाईवे पर खड़ा हुआ था, तभी क्रिकेट मैच की एक बॉल आकर उसके लगती है जिससे उसे हार्म पहुंचता है। तो वो यहां पर जाकर जो क्रिकेट एसोसिएशन होती है उस पर वाद लेकर आता है। तो यहां पर हेल्ड किया जाता है कि ऐसे केस में जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो लायबल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके की ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं हुई थी। हालांकि ये रिमोटनेस के अंतर्गत आता, रिमोटनेस दिखती थी इसके अंतर्गत, दूरवर्ती परिणाम दिखते थे, लेकिन रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ना होने के कारण ये वाद यहाँ पर नेग्लिजेंस के अंतर्गत लायबल नहीं माना जा सकता डिफेंडेंट को, इसी वजह से यहाँ पर हेल्ड नॉट लायबल डिसाइड किया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग कोर्ट ने नेग्लिजेंस में ड्यूटी ऑफ केयर को डिफाइन करने की कोशिश की है, उसके बाद रीजनेबल फोर्सिबिलिटी को डिफाइन किया और ब्रीच ऑफ ड्यूटी को डिफाइन करने की कोशिश की है।
उसके बाद लास्ट जो बचता है वो बचता है यहाँ पर इसके बारे में, डैमेजेस के बारे में कि डैमेजेस सफर्ड टू द प्लेंटिफ क्या क्या होंगे उसके बारे में, कि कुछ तीन रूल्स यहाँ पर दिखलाए जाते हैं, जैसे रेस इप्सा लिक्विटर। नंबर दो पर आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, और उसके बाद पढ़ेंगे रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटीज। तो इन तीन रूल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसी तरह साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि नेग्लिजेंस आपको समझ आ गया होगा, और जो तीन रूल बचे हैं वो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, तो साथ इसी तरह बने रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमारी पिछली वीडियोज को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट लिंक दिए गए हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। और भी कुछ अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।